भारत में कोरोना का कोहराम जारी। पिछले 24 घंटे में 3,26,014 नए मामले आए सामने, वहीं 3,876 लोगों की गई जान। देश में कोरोना रिकवरी रेट 83.26% हुआ। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 8,087 नए मामले आए सामने, यहां 24 घंटे में 88 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 7,594 नए मामले आए सामने, वहीं 172 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी में अव्वल है, राज्य के लिए राहत भरी खबर है। बीते दिनों सिर्फ 7,264 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12,233 मरीज रिकवर हुए हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाली गैंग के दो और दलालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसमें से एक यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष और दूसरा सांवेर का होम्योपैथिक डॉक्टर है। दोनों ने लालच के लिए अपने दोस्तों और परिचितों को 116 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एमपी में पहला राज्य होगा जहां कोरोना के बाद होने वाली बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए पोस्ट कोविड सेंटर बनाए जाएंगे और पोस्ट कोविड उपचार की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। मंत्री पटेल ने कहा, कोरोना के संकट में भी केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। इंदौर के कुम्हेड़ी में प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर चुराने के आरोप में 5 कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि प्लांट का मालिक, उसकी बेटी, मैनेजर और एक चाय वाले ने रात भर कांग्रेस ने कोरोना काल में महंगी दवाई, कालाबाजारी और निजी अस्पतालों की लूटखोरी पर चेतावनी के बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की है। उन्होंने 16 मई के शहर के हर बाजार, गांव और पंचायत में आंदोलन की बात कही है। कोरोना काल में नियमों के नाम पर अप्रशासन की मनमानी बढ़ चुकी है। अब जिले के मुखिया भी नियमों की धज्जियां उड़ाते कानून अपने हाथों में लेने लगे हैं। भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने ले जाने वाले वाहन के ड्राइवर को अपने गार्ड से 8 से 10 थप्पड़ जड़वा दिए। भोपाल के रेडक्रॉस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। वर्तमान में इस अस्पताल में 55 बेड का कोविड सेंटर संचालित है। वहीं रोटरी क्लब मिडटाउन की ओर से रेडक्रॉस चिकित्सालय में 140 एलपीएम की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। जबलपुर से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से मौत का मामला आया सामने। पनागर के रहने वाले जगदीश बिरानी को कोरोना होने पर सरगना सरबजीत सिंह मोखा के सिटी अस्पताल में बीते 21 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, वहीं 9 मई को उसकी मौत हो गई। गुना जनपद पंचायत के खजूरी गांव में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निस्तारण करने के लिए कर्मचारियों को बंधक बनाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। मुरैना के उत्तमपुरा क्षेत्र में 2 गुटों के बीच गोलीबारी का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते वाल्मीकि और जाटव समाज के 2 गुटों के बीच 2 दिनों से गोलीबारी हो रही है। दंतेवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव नक्सली हुंगाराम समेत 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 10 जून को मॉनसून प्रवेश करेगा, वहीं मॉनसून 10 जून को बस्तर में पहुंचेगा। रायपुर में 15 जून और सरगुजा में 21 जून को मॉनसून प्रवेश करेगा। असम के तिनसुकिया में बाजार में ग्रेनेड फट गया। इस विस्फोट में 1 की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। यूपी के चित्रकूट जेल के अंदर गैंगवार में 3 बड़े अपराधी मारे गए। इस गैंगवार में मुकीम लाला, मेराजुद्दीन और अंशु दीक्षित की मौत हो गई। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 103 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, तो वहीं डीजल भी 95 रुपए 70 पैसे तक पहुंचा।
दुनिया में अभी तक 16 करोड़ 24 लाख 43 हजार से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं अभी तक कोरोना से 33 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। वेक्टस टैंक्स पानी को ठंडा रखने में मदद करता है।